हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे, और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है खाना बनाने के साथ, और खाना भी बनाते जा रहे हैं, और इधर हमारी चाय भी बनकर हो गई है तैयार। तो पीने वाले आ चुके हैं, तो सबको दे देते हैं चाय, और सब्जी भी उधर हमारी बनने ही वाली है बस। और सब्जी आज हमने बनाई है आलू और शिमला मिर्च की, तो सब्जी हमारी बनकर हो गई है तैयार। दाल चावल भी बन चुके हैं, रह गई है रोटी, तो वो भी फटाफट से बना लेते हैं, क्योंकि आज तो बहुत सारा काम करना है, इतना बड़ा त्योहार आने वाला है, तो जोरों शोरों से तैयारियां शुरू होंगी। और आज है हरछठ का त्योहार, तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से हरछठ त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर हम खाना बना रहे हैं, और मम्मी उधर जो है तैयारी कर रही है पूजा की, क्योंकि ये पूजा थोड़ा जल्दी ही करनी होती है और काफी टाइम लगता है इसको बनाने में। तो यहाँ पर दीवार को पहले साफ कर लिया था, उसके बाद उसकी कर दी थी पुताई। अब इसमें जो है हरछठ माता बनाई जा रही है, और हम वहाँ पर खाना बना रहे हैं। तो ये देखिए चारों भी लगी हुई है साथ साथ में, और ये पत्ते आते हैं, तो इनके बनाए जाएंगे दोने, और इन्हीं में जो है प्रसाद रखा जाता है। ये पुरानी परंपरा है जो हमारी आज तक चली आ रही है, कि पत्तों में जो है प्रसाद रखा जाता है, और कुल्हड़ आते हैं जो मिट्टी के कुल्हड़ बनते हैं, उनमें प्रसाद रखा जाता है। और गाँव में पुरानी परंपराओं को अभी भी सजो कर रखा गया है, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपराएं ऐसे ही चली आ रही हैं, और लोग बड़े भक्ति भाव से ये परंपराएं निभाते हैं। और इस पूजा में 5 अनाज लगते हैं जिनको भुनाया जाता है। तो ये देखिए चना है, चावल है, मटर होती है, गेहूं होते हैं, तो 5 अनाज लिए जाते हैं, उनको भुनवा कर उनसे पूजा की जाती है, और मिट्टी के कुल्हड़ लाए जाते हैं, और जो दोने बनाए जाते हैं पत्तों के, उनमें प्रसाद रखा जाता है, दही चावल। और ये वाले चावल नहीं होते हैं, ये जो होते हैं ये पानी में चावल होते हैं, फलसा चावल बोलते हैं हमारे यहाँ तो इसको, तो वो होते हैं। तो यहाँ पर मम्मी जी की पूजा शुरू हो गई है, और चारों भी हमारी कितने ध्यान से देखती हैं हर चीज को। और इस पूजा को देखकर अच्छा लगता है कि इनमें जो है पत्तों का प्रयोग किया जाता है, कुल्हड़ का प्रयोग किया जाता है। पहले के लोग ऐसे ही कुल्हड़ में पानी पीते थे, जो पत्तले होती हैं उनमें खाना खाते थे, तो कितना शुद्ध वातावरण रहता होगा तब का। वैसे ही आज भी इस पूजा में पत्तलों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर प्रसाद मिल गया है, आप लोग भी आइए, आप लोगों को चारू दे रही है हरछठ मैया का प्रसाद, तो ग्रहण कर लीजिए, और हम भी आशीर्वाद ले लेते हैं। तो खाना हमारा बन ही चुका था, उसके बाद बर्तन भी धो लिए थे, घर के जितने भी काम थे वो सारे निपटा लिए थे। उसके बाद आ गए हैं सबसे बड़ा काम करने, जो कि पिछले 5 सालों से नहीं हुआ, यानी कि हमारी शादी में हुआ था, तब से नहीं हुआ था। तो आज उस काम को निपटाते हैं, और करेंगे यहाँ पूरे कमरे की पुताई, क्योंकि आप सभी लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपका जो भगवान का कमरा है वो पुताई करने वाला है। और हमने भी सोचा जन्माष्टमी का इतना बड़ा त्यौहार आ रहा है, तो कुछ तो खास करते हैं, और थोड़ी सी मेहनत लगेगी तो क्या हुआ, हमारा कमरा बिल्कुल अलग सा दिखेगा। तो पूरे कमरे को खाली कर दिया गया है, अलमारी को हमने साफ कर दिया है, उसके बाद ले ली है हमने सीमेंट पुताई करने वाली। और पहले तो सोच रहे थे कि हम सफ़ेद ही कलर से करेंगे, लेकिन पहले से ही इस कमरे का जो रंग है वो गुलाबी था, तो सफ़ेद कलर तो इसमें चढ़ ही नहीं रहा था, इसीलिए हमको गुलाबी कलर मंगाना पड़ा, उसी से अब हम इसकी पुताई करेंगे। और यहाँ पर ननद जी जन्माष्टमी के लिए कर रही हैं तैयारी, वो तो आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा। तो गुलाबी कलर हमने मिला दिया है, और पति देव को चढ़ा दिया है ऊपर, क्योंकि यहाँ पर तो हम चढ़कर पुताई कर नहीं सकते थे, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ जाती है यहाँ जो छत होती है, डबल छत, उस पर चढ़ने में। तो यहाँ पर इन्होंने पुताई कर दी है, और ये कह रहे थे चलो हम ऊपर ऊपर कर देते हैं तो नीचे कर देना। तो आज पति पत्नी दोनों मिलकर करेंगे कमरे की पुताई, और सब लोग लगे हुए हैं, ननद जी भी साफ सफाई में लगी हुई है। तो जब तक
पतिदेव ऊपर पुताई कर रहे हैं तब तक हम नीचे की सफाई कर देते हैं, जो धूल मिट्टी जाले लगे हैं उनको साफ कर देते हैं। और ये ऊपर करते जा रहे हैं और हम कर देते हैं अलमारी की पुताई, क्योंकि अलमारी जो है सफ़ेद कलर से पुती हुई थी, तो उनको हम सफ़ेद कलर से ही करेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छी लगेंगी देखने में। तो ये देखिए इन्होंने ऊपर ऊपर कर दिया है और अलमारी में हम कर देते हैं। और शुरू से ही हमको पुताई करने का बड़ा ही शौक था, क्योंकि हमारे मायके में हर साल दीपावली के पहले पुताई होती थी पूरे घर की, और पूरे घर की पुताई करने में कम से कम 8 से 15 दिन लग जाते थे। और वहाँ का घर भी बड़ा था, तो वहाँ जब पुताई होती थी तो दिन में तो इतना टाइम किसी के पास होता नहीं था, तो रात में ही पुताई होती थी बल्ब जलाकर। तब सब लोग जुटते थे, सीढ़ी पर कोई चढ़ता था, कोई डिब्बा पकड़ता था, और चूने से पुताई होती थी तो पूरे हाथ कट जाते थे, छाले जैसे पड़ जाते थे, लेकिन शौक इतना ज़्यादा था कि लगे रहते थे। और पूरे घर की जब पुताई हो जाती थी तो ऐसा लगता था बिल्कुल नया घर बनकर तैयार हुआ है, और अपनी मेहनत पर बड़ा ही गर्व महसूस होता था, ऐसा लगता था सब हम लोगों ने ही किया है। तो ये होता है मेहनत का परिणाम। तो आज हम भी देखते हैं कि यहाँ की मेहनत जो है रंग लाती है कि नहीं, लगे हुए तो है। तो ऊपर ऊपर की पुताई हो चुकी है, नीचे की बची है, तो इनसे कह रहे थे हम कर लेंगे, लेकिन ये कह रहे थे साथ में करवा लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और हम लोग सोच रहे थे कि एक ही दिन में पुताई हो जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो है नहीं, अब जन्माष्टमी में तैयारियाँ भी करनी है, तो इसीलिए और भी लगे हुए हैं, चाहे आज रात हो जाए लेकिन पुताई करके ही मानेंगे, और साथ में लगे रहो तो जल्दी हो जाता, ऐसे अकेले तो बड़ा टाइम लगता। तो यहाँ पर बस इधर कर रह गए, और दरवाजे में भी सफ़ेद करना है, क्योंकि जैसे पहले था वैसे ही पुताई करनी है। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ जन्माष्टमी की कैसी तैयारियाँ चल रही हैं, आप लोग कैसे जन्माष्टमी मनाते हैं, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं बहुत अलग अलग जगह से देखते हैं, बहुत दूर दराज से देखते हैं, तो हमको भी पढ़कर बहुत खुशी होती है कि अलग अलग जगह पर कैसे मनाई जाती है। और हर बार यही होता है कि जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाती है, तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जन्माष्टमी किस तारीख को मना रहे हैं, 6 तारीख को या 7 तारीख को। आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। दोस्तों हमारी पुताई पूरी हो चुकी है, और ये देखिए सीमेंट भी हमारी खत्म हो चुकी है, सारा बिल्कुल फिट पड़ा, जैसे सामान लाया गया था वैसे सब पूरा पुताई हो चुकी है। और अब तो सबसे बड़ा काम है सामानों को सेट करना, जितनी भी खराब सामान है उनको हम बाहर निकालेंगे, और जितनी भी सही सामान है उनको साफ करके लगाना है, और सबसे बड़ा काम है इसको धोना। तो सबसे पहले सामानों को बाहर निकालते हैं, उसके बाद कमरे को धोना भी है। और आ रहा है जन्माष्टमी का त्यौहार, तो जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई हमारे यहाँ। पूरे घर की तो पुताई नहीं की जाएगी, केवल इसी कमरे की जाएगी, क्योंकि इस कमरे की हालत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। और आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कई दिनों से कि दीदी इस कमरे की पुताई कर दीजिए, तो देखिए आप लोगों का कहना हमने मान लिया है और पुताई हो गई है हमारे भगवान के कमरे की। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है, और कलर हमने चेंज नहीं किया है, जैसे कि पहले का कलर था इस कमरे का वैसा ही कलर है, तो अब लग रहा है बिल्कुल चेंज सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल नया बन गया है। तो चलिए काम शुरू करते हैं, बहुत सारे काम हैं और शाम भी हो चुकी है। तो पतिदेव हमारे साथ में लगे हुए हैं आज, और मायके से आते ही हमको भी काम पर लगा दिया, और खुद भी काम पर लग गए, क्योंकि ये काम तो अकेले का होने वाला है नहीं, इसमें 2 लोग ज़रूर लगने हैं। तो मिलकर हम लोगों ने पुताई कर दी है, उसके बाद चलिए इसको धोते हैं। तो चलिए इतने कठिन परिश्रम के बाद भगवान के कमरे की पुताई हो चुकी है पूरी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, अपने आप नहीं कह रहे हैं, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि हम लोगों ने पुताई कैसी की है। अब सबसे बड़ा काम रह गया है यहाँ की सफाई करना, और जितना भी सामान खराब है उसको बाहर निकाल रहे हैं, बाकी जो भी सामान बचेगा उसको साफ करके लगाना है। तो यहाँ पर सारा जो कूड़ा है वो बाहर निकाल रहे हैं, और सब लोग लगे हुए हैं हेल्प में। और कल ही रात को 8 बजे आए थे, और सुबह होते ही लग गए हैं, तब जाकर ये काम सारे हो पाए हैं, और बिल्कुल भी समय भी नहीं मिला, हमारे सारे कपड़े भी पड़े हैं धोने के लिए, और हमने सोचा पहले ये काम कर लेते हैं, क्योंकि ये काम तो दिन में ही ठीक रहते हैं। तो यहाँ पर पुताई हो चुकी है, उसके बाद काफ़ी शाम हो चुकी है, तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं।
और पुताई के बाद जो छींटे पड़ जाते हैं ना दीवारों पे दरवाजे पे, उनको साफ करने में टाइम लग जाता है। और काफी रगड़ रगड़ के साफ कर रहे थे, ये तो कहिए तुरंत साफ कर रहे हैं तो साफ हो जा रहे हैं, वरना अगर सूख जाते ना तो इनको साफ करने में तो बहुत ज्यादा आफत आ जाती है। तो यहाँ पर ब्रश से साफ कर रहे हैं और इतनी मेहनत के बाद हमारा कमरा बिल्कुल निखर के आ चुका है। और ये देखिए हमने मटके में ले लिया है पानी और कुएं से भर कर ला रहे हैं, बिल्कुल नहीं कुएं से भर के नहीं ला रहे हैं, बाल्टी में रखा है उसी से भर रहे हैं। कुएं से पानी भर के ला रहे हैं, बहुत मेहनत पड़ रही है। अब बाद अगर कुएं पे जाते हैं पानी भर के ला रहे हैं, तब कमरे धो रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इससे। और इनसे यही कह रहे थे बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया है, आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला है, बस आते ही मायके से जुटा दिया इतना सारा काम करने के लिए। और सबसे ज़्यादा पानी लग रहा था पूरे कमरे को धोने में, दरवाजे को साफ करने में, तो वही पानी भर के ला रहे हैं और हम धोते जा रहे हैं। और अंधेरा हो चुका है, चारू अभी हमारी खेल रही हैं, ये तो कहिए वो खेलती रहती हैं, नहीं तो परेशान करके रख देंगी। और ये देखिए साफ़ करते करते आ गए हैं बाहर, पूरा कमरा हमारा साफ़ हो चुका है। और इसके बाद जाएंगे नहाएंगे, उसके बाद लग जाएंगे खाना बनाने में। तो आप लोग सबसे पहले ये बताइएगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत कैसी लगी, यानी हमारी मेहनत के परिणाम बताइएगा, कैसा लगा आपको हमारा यह कमरा, लग रहा है ना बिल्कुल नया नया। और उसके बाद आ गए हैं खाना बनाने के लिए, जब तक हम पुताई कर रहे थे तब तक मम्मी ने सब्जी भी काट दी थी और मसाला भी पीस दिया था, बस लग गए हैं खाना बनाने में। और शाम के 7 बजने वाले हैं, इतने टाइम तो हमारा आधा खाना बन भी जाता था। और उसके बाद यहाँ पर खाना बनाकर आ चुके हैं और लग गए हैं तैयारी करने में। ये देखिए पूरी मटकी सज गई है, ननद जी ने सजा दी थी और हमने ऊपर से इसको डेकोरेट कर दिया है। तो ये सब तो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं। तो आप लोग करिएगा अगले वीडियो का इंतजार। और आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।